बहुत ही ज़्यादा असर है इस चिपचिपे पानी का या नाइटफॉल की परेशानी का दिमाग के ऊपर। आप दवा के बारे में पूछना चाहते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने उन दवाओं के बारे में बताया था जिनका बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। एमआई कौन कौन सी बताई थी? एक सफूफ मुकवी, एक दवा बताई थी मुल्कीज, और एक बताई थी सीमन फोर्ट। अब मैं आपको इनका फर्क भी बता देता हूँ। सफूफ मुकवी जिन वो लें जिनको पानी आने की प्रॉब्लम है, लगभग 6 महीने 1 साल 1.5 साल से उनको प्रॉब्लम है और कमजोरी भी रहती है, दांत की परेशानी है, पेट गड़बड़ रहता है और हेयर फॉल है, उनके लिए सफूफ मुकवी बढ़िया दवाई है। मुल्कीज सफूफ मुकवी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिनकी परेशानी थोड़ी पुरानी है, ये चिपचिपा पानी, नाइट फॉल, ये सारी परेशानी थोड़ी पुरानी है, वो उनके लिए मुल्कीज बेहतर रही है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए। और जिनको तनाव की भी दिक्कत है कि लिंग में तनाव कम हो गया है या छोटा हो गया है या टाइमिंग बिल्कुल कम हो गई है, पानी भी आता है, किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो चिपचिपा पानी आने लगता है और टाइमिंग कम हो चुकी है, उन लोगों के लिए और वीर्य जिनका बिल्कुल पतला हो गया है उनके लिए सीमन फोर्ट बहुत शानदार दवा है। तो इस चीज़ का फ़र्क हमें ध्यान रखना है कि अगर गर्मी है मसाने में, पेशाब पीला आ रहा है, चिपचिपा पानी ज़्यादा आ रहा है, तो आप सफूफ मुकवी या मुल्कीज इससे शुरू करें ताकि गर्मी ख़त्म हो, उसके बाद ही फिर सीमन फोर्ट पर जाएं। और अगर पानी की प्रॉब्लम मैनेजेबल है, कम आता है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, कम आता है, लेकिन कमज़ोरी है शरीर में, लिंग का तनाव कम हो गया है, लिंग टेढ़ा हो गया है, साइज छोटा हो गया है, हाँ, उनके लिए सीमन फोर्ट के रिज़ल्ट बहुत अच्छे देखे गए हैं। वो वीर्य को गाढ़ा करा है, तनाव जो उनका जा चुका था वो वापस आ गया, और जिस तरह का जोश 18 साल की उम्र में था या 16 साल की उम्र में था, सेम वही कंडीशन उनकी वापस आ गई। किसी ने 2 महीने लिया, किसी को 3 महीने में लेना पड़ सकता है, डिपेंड करता है परेशानी कितनी पुरानी है, कितनी सीवियर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर उन सवालों को लिखें, अपना नंबर भी दे सकते हैं, हम उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करेंगे। तो आप कॉल करके डिस्कस नहीं कर सकते तो आप कॉमेंट में मैसेज ज़रूर करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कोई भी आपके दिमाग में बात है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, किस नए टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस चीज़ पे वीडियो देखनी है, कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास में अभी नहीं है जिसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं। पेट की प्रॉब्लम 100% हो जाती है, या तो पेट का डाइजेशन ख़राब हो जाएगा, या पेट में गर्मी रहेगी, पेशाब पीला आता है, कब्ज़ की परेशानी रहती है, यानी पेट साफ एक बार में सही नहीं होता। हमें ये ध्यान देना है कि अगर नाइट फॉल की प्रॉब्लम कॉमन है, अगर हमारे साथ में 3-4 दिन में 5 दिन में या हफ्ते में एक बार भी नाइटफॉल हो रहा है, तो क्या हमारा पेट ख़राब है? अगर हमारा पेट ख़राब है तो हमें सबसे पहले उस पर काम करना है। नाइटफॉल की प्रॉब्लम है तो वीर्य बिल्कुल पतला आ रहा है या गाढ़ा है, इसको मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर वीर्य बिल्कुल पतला हो चुका है तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, इसका मतलब है कि वीर्य की कमी भी है बॉडी में और मसाने में गर्मी भी बढ़ चुकी है। तो पहली चीज़, जैसे मैंने बताया कि आपको डाइजेशन अपना ठीक करना है, खाना ठीक करना है, मांस मच्छी अंडा और ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम या अखरोट, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं फिलहाल सबसे पहले इन्हें बंद करें तो पेट पे लोड कम पड़ेगा, डाइजेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, पानी आपको 3 से 4 लीटर रोज पीना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि अगर नहीं पिए तो क्या करें, अगर हम नहीं पी सकते, पीना तो है ही 3 से 4 लीटर पानी। जब आप खाना खाएं उसके साथ में दही ज़रूर खाएं, दही प्रोबायोटिक होती है, आंतों को साफ करती है, पेट को ठंडा रखती है, लोअर एब्डोमेन को ठंडा रखती है, मसाने की गर्मी ख़त्म करती है और डाइजेशन तो बहुत अच्छा हो जाता है दही खाने से। आप चीनी ना डालें दही में, सिर्फ दही लें, क्योंकि जिनमें नाइट फॉल की चिपचिपा पानी की परेशानी है, मसाने में गर्मी है, उनके साथ में कमजोरी बनी रहती है शरीर में, काम करने का मन नहीं करता, उठा नहीं जा रहा, हड्डियों में से कट कट की आवाज़ आ रही है,
कभी कभी आंखों में धुंधलापन भी रहता है, साफ नजर नहीं आ रहा, चिड़चिड़ापन है, नींद सही नहीं आती है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे साथ में लोग डिस्कस करते हैं, बताते हैं, और उन्हीं के एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप भी इन चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। जब लिंग में की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, तनाव कम हो जाता है, वीर्य पतला हो जाता है, तनाव अच्छा नहीं आ रहा, तो लड़के किसी भी लेवल तक सोचने को मजबूर हो जाते हैं। आप यकीन करें, मेरे पास में कॉल्स आती हैं, वो ये तक कहते हैं कि अब हमें ज़िंदगी से प्यार ही नहीं रहा, ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं। इस लेवल तक उनके दिमाग पर असर होता है। तो अगर आप भी इस तरह की परेशानी से गुजर रहे हैं तो याद रखें, ये परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाती है, कितनी भी पुरानी हो, चाहे 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल पुरानी हो, बिल्कुल ठीक हो जाती है। शर्त यही है कि आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने ज़रूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले, ये इतना हिस्सा वीडियो का और ज़्यादा ध्यान से सुने, सुबह उठकर सबसे पहले आप गुनगुना पानी पिए। गर्म पानी या गुनगुना पानी पीने से पेट साफ होता है, आंतों के अंदर जो भी गंदगी होती है वो बाहर निकलती है, कब्ज की परेशानी ख़त्म होती है। तो जब तक आपकी आंतें, आपका पेट साफ नहीं है, आप कोई भी दवा खा लें असर नहीं करेगी, चाहे वो महंगी है या फिर आपने अलग से कोई फॉर्मूला तैयार करा है या कहीं से मंगाई है, कोई दवा असर नहीं करेगी जब तक आपका पेट ठीक नहीं है। तो पहली चीज़ पेट के ऊपर काम करना है। बार बार मैं इस टॉपिक को कह रहा हूँ आपसे, कितनी बार ऐसा भी देखा गया है कि आपने कोई दवा नहीं खाई, सिर्फ पेट ठीक कर लिया, आपका नाइटफॉल बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई दवा खाने से आपको नाइटफॉल हो रहा है, आप उस दवा को शाम के टाइम या रात के टाइम खाना रोक दें। मैं आयुर्वेदिक दवाई की बात कर रहा हूँ, एलोपैथिक दवाई के अपने कोर्सेज हैं, वो डॉक्टर बताएगा कि किस तरह से उनको दवा लेनी है और कब रोकनी है। लेकिन अगर आयुर्वेदिक दवाई कोई आप ले रहे हैं, कोई चूर्ण ले रहे हैं या कोई आपने तैयार करी है दवा, उससे गर्मी हो रही है, आप उसकी डोज हल्की कर दें या रात के टाइम उसको ला लें, तो भी आपका नाइटफॉल कंट्रोल में हो जाएगा। बार बार वही बात है, पेट पे ध्यान देना है, डाइजेशन पे ध्यान देना है। इसके बाद बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फ्रूट्स खाने बहुत ज़रूरी हैं। आप MBBS आप सेब शुरू करें, सुबह को टॉयलेट से आने के बाद में सेब लेकर आएँ, आधा सेब खाएँ, पूरा नहीं खाया जा रहा आधा खा लें, आधा भी नहीं खाया जा रहा एक चौथा ही खाएँ। उसके 15-20 मिनट बाद में आप कोई भी आयुर्वेदिक दवा अगर लेते हैं तो ले सकते हैं, या अपना आप नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ता करेंगे, लेकिन फ्रूट खाने बहुत ज़रूरी है। सेब खाइए, फाइबर होता है सेब में, पेट को साफ करता है। दोपहर के टाइम जब आप खाना खाएं, अगर आप में वीकनेस है, कमज़ोरी रहती है, वजन कम है, तो आप 15 मिनट पहले कोई भी फल खा लें। आप मौसमी थोड़ा सा खा लें, मौसमी का जूस पी लें, थोड़ा सा पपीता खा लें, कोई भी फ्रूट आप थोड़ा सा 15 मिनट पहले ज़रूर लें, उससे भूख खुल के लगती है। और जब भूख अच्छी लगेगी तो आप खाना ज़्यादा खाएंगे, आप वेट गेन करना शुरू करेंगे, ताकत आनी शुरू होगी। ये तो हमने डिस्कस कर लिया प्रॉब्लम्स को किस तरह से इन्हें ठीक करा जाए अपनी डाइट को चेंज करके। आप दवा के बारे में पूछना चाहते हैं, पिछली वीडियो में भी मैंने उन दवाओं के बारे में बताया था जिनका बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, Amazon पर भी है, वहाँ पर उनके आप यूज़र रेटिंग देख सकते हैं, बहुत अच्छी रेटिंग दी है लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल करा है, और 7 से 10 दिन के अंदर उनको रिजल्ट्स मिल गए हैं। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 85% पेशेंट्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं। अब 15% कौन है जो ठीक नहीं होते, जो पेट पर ध्यान नहीं देते, फ्रूट्स नहीं खाते, पानी कम पीते हैं और टाइम से दवा नहीं लेते, ये वो 15% लोग हैं। उसके अलावा 85% लोगों को 100% आराम मिला है, बिल्कुल ठीक है। दवाइयों के नाम भी मैंने बताए जिनके रिजल्ट अच्छे रहे हैं, सफ़ो मुकवी, मुल्कीज और सीमन फोर्ड, जिनको मसाने में गर्मी की प्रॉब्लम है, पीला पेशाब आता है, टेंशन रहती है, हड्डियों में से आवाज़ आती है, कमज़ोरी रहती है, वो सफ़ो मुकवी या मुल्कीज ये लें। और जिनको वीर्य पतला है, तनाव की कमी है, पानी भी आता है, फ़ोन पर बात करते हुए भी पानी आता है, किसी का हाथ लग जाए तो उनको पानी आना शुरू हो जाता है, उनके लिए सीमन फोर्ड का रिज़ल्ट बहुत शानदार देखा गया। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ये ऐसी परेशानियां हैं जो हर कोई नहीं किसी से डिस्कस करता, हो
हो सकता है चुपचाप वो इंसान की वीडियो देखे, उसकी समझ में आए कि उसको क्या करना है, कैसे ठीक होना है और वो ठीक हो जाए, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी और वो हो सकता है आपको आके पर्सनली थैंक यू भी बोले। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि आपको इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और आज के लिए इजाजत दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।